आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। देसी आलू है ये, नए आलू जो ठंड में आते हैं। और इसके लिए हमने लिया है प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। और डालेंगे थोड़ा काली मिर्च। तो गाइस अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। और मेरे घर में छोटा बेबी है तो हम मिर्च डालने से पहले उसके लिए थोड़ा मसाला अलग कर लेंगे, अपने लिए मिर्च हम बाद में डालेंगे। तो इसको हम मैश करेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम डालेंगे अब अजवाइन। अजवाइन बहुत टेस्टी बना देता है आलू के पराठे को। एंड में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी साबुत धनिया। साबुत धनिया से बहुत अच्छा स्वाद आता है आलू के पराठे में। और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब ये मैंने छोटे बच्चे के लिए निकाल लिया है। अब जो हमारा वाला है इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और इसको मिलाऊंगी। हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें मैंने पिसी हुई मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हम लोग पिसी मिर्च बहुत कम खाते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, हरी मिर्च बहुत खाते हैं। और ये आटा मैंने 1 घंटे पहले गूंद के रखा है। हमेशा आलू के पराठे के लिए आटा हो सके तो थोड़ी देर पहले गूंदे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। तो गाइस इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। आटा थोड़ा गीला होना चाहिए, बिल्कुल टाइट आटा नहीं होना चाहिए, हल्का सा आप कैसा भी गूंद सकते हैं, बट 1 घंटे पहले गूंदेंगे तो बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका, आटे का। और ना आसानी से आलू के पराठे बनते हैं। तो हमारा जो मसाला होता है आलू का वो भी टाइट होना चाहिए, गीला रहेगा तो दिक्कत आएगी। तो बस मोमोज की तरह फोल्ड करते जाओ, बहुत इजी हो जाता है। आटा पहले से गूंदा हुआ रहता है तो अच्छे बनते हैं। तो बस देख सकते हैं कैमरा थोड़ा उल्टी साइड है, आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए ना फट रहे हैं, ना कोई इसमें वो आ रहा है। अपना आटा जो थोड़ा बड़ा हो जाए तो हाथ से छिड़क के लगाइए, उससे थोड़ा अच्छा रहता है। ज़्यादा आटा से ना फिर लाल लाल हो जाएगा पराठा। आटा परथन, हमें परथन कहते हैं इसको, हमें परथन ज़्यादा नहीं लगाना। तो देखिए आप पराठा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो इसको हम डालेंगे तवे, पराठा तवे पे डाला है, अब गैस तेज करनी है। अब इसको हमें पलटना है। सॉरी सॉरी, फोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा हो गया। तो गाइस मैं इसमें ना रिफाइंड यूज़ करूँगी, ना देसी घी, ना कोई और ऑयल, सिर्फ मैं इसमें सरसों तेल यूज़ करूँगी। तो हम सरसों तेल का पराठा बनाते हैं क्योंकि देसी टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसमें सरसों तेल लगाने वाले हैं। जो गांव में देहात में बनता है वो ज़्यादातर सरसों तेल यूज़ होता है, रिफाइंड वगैरह से टेस्ट नहीं आता है। हम लोग रिफाइंड तेल बहुत कम खाते हैं, कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो कुछ है, अदरवाइज सरसों तेल बेस्ट है। अब इसको हम पलटेंगे। आप बच्चों के लिए अगर पराठे बना रहे हैं तो उसमें आप घी लगा दीजिए, बट अपने लिए बना रहे हैं तो सरसों तेल एक बार यूज़ करके देखिए, बहुत टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। और कभी भी पराठे तेज आंच में नहीं सेकना है, कम कर दीजिए आंच और उसको सेकने। यस बेटा आटा दूँ आपको, उसको कम कर दीजिए और हल्की आंच में आप सेकते जाइए। ये कलर ऐसे हल्की आंच से आता है। और इसको बस ऐसे प्रेस कर दीजिए, तंदूर टाइप का पराठा हो जाएगा ये। पराठा ये बन के रेडी है, मुझे 8-9 बनाने हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से लाल, बिल्कुल कड़क पराठा। तो इसको आप मक्खन से खाइए, क्रीम से खाइए, मलाई से खाइए। तो गाइस हमारा पराठा रेडी है, ये हमारे सारे पराठे बन चुके हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच, एंड शेयर ज़रूर करिएगा।